मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की घोषणा के बाद 2 रुपए किलो देने वाला चावल 1 रुपए प्रति किलो देना था, पर ग्राम पंचायत बासाझाल में आज भी यह चावल 2 रुपए की दर से ही दिया जा रहा है। अभी जो जनवरी 2014 का जो राशन मिली सभी पिछले बार, तो उसमें तो के चावल कितना मिली? 70 रुपया 35 किलो। 2 रुपए किलो? 2 रुपए किलो। अच्छा, सब जना मिले कि तोहिला मिले? सबे जनला तो बताते हैं, सबे जन जब पता करें तो वही 2 रुपए। इंडिया अनहर्ड की पहल से हुई कार्रवाई के बाद ग्रामीणों को 1 रुपए प्रति किलो की दर से चावल मिलना शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ जिला सरगुजा विकासखंड बतौली अंतर ग्राम पंचायत बांसाझाल में राशन दुकान में 2 रुपए प्रति किलो चावल मिलने की सूचना मिली थी। एसडीएम ने तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए 1 रुपए किलो वितरित करने के निर्देश दिए हैं, जिससे ग्रामीण काफ़ी खुश और उत्साहित हैं। जिनसे 2 रुपए की दर से पैसा लिया गया था, उनका पैसा भी मिट्टी तेल के तौर पे वापस किया गया है। आपके पास मतलब बोले चलो वहाँ चलते हैं, तो गए तो वहाँ जाके मतलब वो साहब लोग से बातचीत किया, तब कहीं 5वां दिन में पता चल रहा है कि उस पैसा वापस हो रहा है। पैसा वापस होने लगा ना जी? और पैसा वापस किए कि जैसे आपके कुछ भाई लोग बता रहे थे और लोगों से मैं बातचीत किया तो बता रहे थे कि मिट्टी तेल दे दिए उस 2-1 रुपए का। और जो मिट्टी तेल ले गया उसको मिट्टी तेल नहीं तो पैसा भी दे रहे थे, पैसा भी वापस किए। चलिए, आप लोग सब खुश है ना जी? यहाँ के गाँव के लोगों को अभी ये फायदा हुआ सर कि रिपोर्ट करने से नगद या मिट्टी तेल दिए हैं सर, और राशन कार्ड में भी जो कार्ड दिए हैं साहब, जो 70 रुपये लिखे थे उसको आप काट के 35 रुपये चढ़ा दिए हैं सर। अच्छा अच्छा जी हाँ। तो अभी गांव वाले खुश हैं सब? अभी पब्लिक ठीक है सर। इंडिया अनहर्ड की टीम और ग्रामीणों की तरफ से मैं एसडीएम सीतापुर को धन्यवाद देता हूँ कि वे महज एक फोन कॉल को आवेदन मानते हुए कार्रवाई की और ग्रामीणों को उनका अतिरिक्त पैसा वापिस कराया। मैं प्रकाश गुप्ता सरगुजा छत्तीसगढ़ से इंडिया अनहर्ड के लिए।